राम राम सीताराम सबको, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना ये टेम्पररी ये स्टेप्स बनाए हुए, मैं ध्यान से जा रही हूँ कि कहीं टूटे ना मेरे वजन से और नीचे ना गिरे। अभी ऊपर जो टाइल्स का काम है वो आपको दिखाते हैं। मुझे एलिवेटर पे भरोसा नहीं है अभी, क्या सुबह कुछ नहीं था, आज ही बनाया ना। हैंडमेड है वो। तो अभी हमारे ना छत के गौशाला के ऊपर ऐसा छत बन रहा था, यहाँ पे सो भी सकते हैं, नया घर हमारा यहाँ बन रहा है। उसके जितने भी वीडियो उसमें सबसे ज्यादा जो सवाल है वो छत के बारे में, कि इस टाइप की छत आपने कैसे मतलब बनाया, क्या हुआ। तो ये डबल टाइल कर रहे हम, अभी इस तरफ हो गया है, और ये 2x4 की जो बड़ी टाइल आती है वो है, वैसे रिजेक्ट टाइल लाए हैं ताकि थोड़ी सस्ती हो जाए। और इसमें दूसरा ये होगा कि ये जो गैल्वेनाइज के शीट डालते हैं पत्रे वगैरह, उससे बिल्कुल अलग होगा। एक तो ये हीट रेसिस्ट नहीं करेगा, मतलब हीट को नीचे नहीं जाने देगा, यहाँ से ही हीट, क्योंकि ये पॉलिश होती है ऊपर, तो हीट सीधी वापस चली जाएगी बाहर, अंदर नहीं जाएगी। और दूसरा ये उससे ज़्यादा मजबूत होगा, एल्यूमिनियम वाला है उस वो पार्ट से, क्योंकि इस तरह से नीचे रेत डाली है, सीमेंट है साथ में, फिर इस तरह से पूरा वो सीमेंट का जो टाइल फिटिंग जो होता है वो यहाँ पे लखू भाई कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया, लखू भाई हमारे जो मकान है 20-22 साल पुराने, उसमें भी टाइल का काम कर चुके हैं, वही आए थे, अभी बता रहे थे आज सुबह कि जो टाइल्स शांति बहन के घर जाओ मकान का काम पूरा हुआ है, उसमें भी लखू भाई ने काम किया। तो मतलब जो कारा भाई हैं उनका पूरा ग्रुप है, टाइल्स का, प्लास्टर का जो होता है वो, बाकी जो बिल्डिंग वर्क का पूरा जो ग्रुप है वही लोग हैं। और ये इस तरह से फिट हो जाएगी, अभी तो वैसे पूरा काम नहीं हुआ, इसके जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स में डॉक्टर फिक्सिट डाल के पूरे जॉइंट्स भर देंगे, तो बिल्कुल पानी नहीं जाएगा नीचे, और ये लुक भी अच्छा हो जाएगा। हाँ। और मजबूत भी हो जाएगा। सब सारी टाइल्स अलग अलग कलर की है, अलग अलग डिजाइन की है, सब कुछ, सारी वेराइटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि ये रिजेक्ट माल में मेरे जो मामा का टाइल शॉप है वहीं से लाया हूँ। और रिजेक्ट नहीं होता, इसमें कुछ कुछ कॉर्नर्स टूटे होते हैं, बाकी ये सैंपल होते हैं, वैसे ये सैंपल है जिसमें लिखा होता है कुछ ना कुछ, बाकी यहाँ से ये इतनी फिट हो गई है। तो अभी के लिए तो हमारा जो नया फार्म हाउस, हमारा फ्यूचर फार्म हाउस है, उसमें टाइम लगेगा। तो टेम्पररी हम क्या करते हैं, गायों के ऊपर की जगह है वो हम हमारा घर बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे अच्छी रात को बहुत मजा आता है सोने का। सिर्फ सीढ़ी बनानी होगी उसके लिए, कुछ जुगाड़ नहीं, सीढ़ी भी मैं बनाने वाला हूँ, मैं खुद पाइप ला के, लेकिन वो थोड़ा फ्री टाइम में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ इस साइड से आ रहे हैं सीधा, फिर वहाँ से सीधा आ सकते हैं ऊपर। आज ना बहुत ही ज्यादा गर्मी है, यस नीचे भी इतनी गर्मी है, यस ओम। ओके, तो अभी टाइम हो गया ओम के ऑनलाइन क्लासेस के लिए, शायद आप लोगों ने पुराने वीडियोस में देखा होगा, तो ओम के जो बांजू के जो मैथ्स क्लासेस है वो कितने महीनों से ले रहा है। इन जनरल ना ओम स्टडी में बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, सब कुछ अच्छे से कर लेता है, लेकिन जब मैथ्स की बात आती है ना, फिर वो टेबल्स करना हो या फिर सम्स करना है, मैथ्स की जब प्रैक्टिस होती है ना, तब ओम इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर जो मेरी एक दोस्त है जो यूएसए में है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये भांजू के जो मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस है वो ट्राई करो। तो अभी फ्यू मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस ओम के लिए ट्राई किए, जल्दी ओम को बुलाती हूँ और ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जो भांजू क्लास में ओम ऑनलाइन ज्वाइन करेगा अभी, तो आपको भी दिखाते हैं। ओह वाओ, यस, नाइस नाइस। ओह, इफ आई टेल यू टू डू रूम 965 इनटू 7, विल यू बी एबल टू डू इट मेंटली? नो, राइट? But with pen and paper, you would be able to do? Yes? So today, let's see why we are not able to do this calculations mentally. 4 2 = 8. Very good. मैं ना सरप्राइज हो गई कि ओम स्माइलिंग कर रहा है, इंटरेक्टिंग कर रहा है लाइव क्लास में, और मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लगा कि जिस तरह से जो टीचर्स है
जो मोटिवेट करते हैं और पेशेंटली जो भी डाउट्स होते हैं ओम के वो पूरे क्लियर करते हैं। और ओम के जैसे ना दूसरे भी बहुत ज़्यादा ऐसे किड्स होते हैं जिसको मैथ्स का फियर होता है। तो जो मिस्टर नीलकंठ भानु है जिसको वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है, तो उन्होंने एक भांजू कोर्स किया है। जो ये भांजू कोर्स में ना मैथ्स को टीच करते हैं चिल्ड्रन को, वो भी बहुत ही ना इंटरेस्टिंग और फन वे में करवाते हैं। हाउ वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन इन अ इजीयर मैनर। बाय बाय बाय। तो अभी ना मैंने नोटिस किया है कि ओम बहुत ही क्विक हो चुका है मैथ्स में, और ओम स्टूडेंट रहा है भांजू का, और ओम को बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वो ना एवरी क्लास अटेंड करने के लिए एक्साइटेड होता है। और ये ना मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों को भी रेकमेंड करती हूँ कि आप भी अपने चाइल्ड को भांजू क्लासेस के लिए एनरोल कीजिए। और ना मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज है कि जो फर्स्ट 100 मेंबर्स होंगे, जो डिस्क्रिप्शन में दिए गई लिंक है उस पे जाके क्लिक करेंगे और रजिस्टर करेंगे तो उसको फ्री क्लास मिलेगा। सो क्लिक द लिंक एंड टेक द वन फ्री क्लास नाउ। द लिंक इज सेफ। यस, आजकल शिव का सब कुछ ब्लैक हो रही है। हाँ, वो सभी जगह लिखना स्कॉप से लिखता है। हाई पकड़े है तुम्हारा? हाई बे कर पकड़े है। हाँ, सब जा जरूरत है काम मदद। पासे एट खर बस रही ना त्या सोटे जाती है फूल। सोटाड़ो हाटू जीव वहां पे। ऐसे में थे ना सोटाड़ दिए। काल प्रमाणे दी थी। हाँ, जाम थे जाए उखेड़िए तो लादी आखी ना उखेड़े रंगे पड़े। ये जो छत का प्लान है पूरा एक बार हो जाएगा तभी आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने प्लान किया था, वो भी दिखा देते। और आसपास में कहीं पे भी गौशाला में मैंने इस तरह से टाइल नहीं देखी छत में। ज़्यादातर गैल्वेनाइज जो शीट आती है वो लगाते हैं, उसमें भी अभी हीट कंट्रोल वाली ये वो बहुत आती है, लेकिन कितना भी हो वो ज़्यादा हीट देगी इसके मुकाबले, क्योंकि ये थिक छत हो जाएगी। इतनी थिक, चार पाँच इंच जितनी हो जाएगी, चार इंच जितनी थिक, हेवी भी हो जाएगी। और इसके ऊपर भी कुछ भी लाइट चीज़ें रख सकते हैं, घूम सकते हैं। वो जो होती है उसके ऊपर जाना फिर मुश्किल हो जाता है और स्लिपरी भी बहुत हो जाती है, ख़ास करके जो समंदर किनारे हैं, दरिया किनारे, तो वो हवा की वजह से वो उड़ भी जाती है। ये नहीं उड़ेगी ना तो ये गर्मी देगी इतनी, क्योंकि ये गर्मी वापस इसी में से रिफ्लेक्ट होके अंदर नहीं जा पाएगी। गैल्वेनाइज जो है वो ज़्यादा गर्मी पकड़ता है। सिंपल आज ना सुबह से हम प्रसादी बना रहे थे जो निवेद करते, वो तो ऑलमोस्ट हो गया सुबह से काम, अभी थोड़ा सा बाकी है। वो मम्मी जा रहे। बाय शिव। वो एक साइड रामदे जा रहा, एक साइड बाकी है, वो मैं करके आती हूँ। शिव बाय। बाय ओम। किसके साथ जा रहे हो तुम? मेरे साथ है? चलो सी टकलू जो है अंदर सी टकलू।
बहुत बड़ा हमारा बनियन ट्री है, ये सारा इसको निकाल देंगे। कुएं में पानी आया है थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। अभी हमें दूसरी दो जगह पे जाना है, तो यहाँ से अभी सोचना है बैलगाड़ी लेके जाना है, चल के जाना है या जावा लेके जाना है, डिसाइड करो। तो हम पानी की बोतल भूल रहे हो आज, सभी जगह राइस एंड जो लापसी, यस राइस एंड जो लापसी होती है ना वो हमने बनाई थी, जो गुड़ वाले चोखा होते वो सभी जगह होते, कोई कोई जगह लापसी होते, जैसे वाशरडा की लापसी होती है। तो सुबह से वही काम में थे, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई आज। और अभी हमारा ऊपर जो वहाँ पे टाइल्स का काम भी चल रहा है। अभी हम आए हैं हमारी चावा लेके, और चाहते हैं वापस चावा लेके। ठीक है, तुम चलाओगे या मैं? राम राम ले ले, ले ले राम राम, हेलो आओ राम राम ले ले, बनाता ले राम राम। आज हाथ मत दिखे, कहाँ है हाथ में? अभी बुआ आई है पापा के सिस्टर, कर ले मामा है राम राम कर ले। से तू गाड़ी में गई थी? थोड़ी क्वार नहीं आवे, तुम तो नहीं करो सिम ले आवे। तो कोई नहीं लो आओ, कोई कमाई रहा है आपे दी जा आपे दे। खाने के बाद हमारा यहाँ का काम होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे कपड़े आज के पड़े थे तो वो सुखाए, टाइगर को खाना डालना, यहाँ का जो भी ना काम होता है ना स्पेशली आफ्टर फूड, और जो लड़कियों को जो वुमन्स है उसको बहुत ज़्यादा काम होता है यहाँ पे, सब कुछ रखना, थोड़ा सा टाइडिंग अप होता है, सब कुछ होता है। अभी सीव भी उठाया शायद है ना, तो सीव को लेके अभी जाएंगे बेडरूम में ऊपर। और आज ब्यूटीफुल फुल मून है, और क्या होता है रोज हम इवनिंग को, कभी अच्छा दिन होता है कभी थोड़ा सा बुरा दिन होता है, लेकिन फिर इवनिंग को थक के मतलब इवनिंग को सो जाते हैं, फिर अच्छे से नींद हो जाती है, तो फिर दूसरे दिन नई सुबह होती है, जो भी अगले दिन का होता है वो भूल के। और मैं यहाँ पे इसीलिए जा रहा हूँ ताकि मैं फुल मून दिखा पाऊँ, जो यहाँ से फुल मून दिखता ही नहीं है। क्यों दिखता है? लेकिन छोटा दिख रहा है, ब्लो जैसा दिखता है, सन जैसा दिखता है। ओके, लेकिन फुल मून है आज। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे कोई भी सवाल मुझे मत पूछो, मुझे नहीं पता, हमारे हमारे व्यूअर्स बता देंगे कमेंट में। क्यों नहीं, तुम बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे मुझे छोड़ दो, ये उठा है मुझे जाना है, मेरा दिमाग मत खाओ जो थोड़ा बचा है। मतलब क्या दिमाग कितना है बचा है, कितना परसेंटेज में? बस खत्म ही हो गया मेरा दिमाग, मेरा दिमाग रोज इवनिंग को खत्म हो जाता है, फिर दूसरी सुबह वापस फिल अप हो जाता है। ठीक है, कल ओम का सरप्राइज आने वाला है शायद, या नहीं शायद नहीं, कल आएगा लेकिन बापू आज को जाए। हाँ, तो ओम को नहीं अच्छा लग रहा है, इसीलिए परसों आएगा। ये मेरे को तो लगता है कि कल ही आएगा, जामनगर से पोरबंदर, जूनागढ़ से, जूनागढ़ से पोरबंदर, ये अंदर छोड़ के आओ जाओ, जूनागढ़ से पोरबंदर तो इतना दूर तो नहीं होता ना, और जूनागढ़ तो पहुंच लेना चाहिए ना अभी तो। लेकिन वो अपडेट थोड़ा देरी से। थैंक यू, बाय बाय। नहीं आज मत आओ, इधर वीडियो एडिट शूटिंग करानी है। हेलो, आई एम बैक। अभी मुझे दूध जमाने के लिए छाछ लेके जाती हूँ, अभी छाछ दूध को ठंडा करने के लिए रखा है। इतना पास रखना कुछ नहीं दिख रहा है,
तुमको भी कुछ नहीं दिख रहा, अच्छे से फेस तो दिखाओ मेरा। भाई सो रहा है थोड़ा तो जल्दी से जाइए और अपने बच्चों को भांजू क्लासेस के लिए एनरोल कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट 100 मेंबर्स है जो क्लिक एंड रजिस्टर करेंगे उसको फ्री क्लास मिलेंगे। सो जल्दी से जाइए और रजिस्टर कीजिए। थैंक यू। निकलते हैं तो बाहू को जल्दी जल्दी